भारत नहीं ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का दोबारा से फाइनल मैच। आईसीसी और बीसीसीआई की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। फाइनल मैच में बेईमानी करने वाले अंपायर को मिली 10 साल की सजा। मैक्सवेल ने भी माना रोहित नहीं थे आउट, मचा बवाल। ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया था, जिसके बाद पिछले दो दिनों से लगातार 140 करोड़ हिंदुस्तानी दोबारा से फाइनल कराए जाने की मांगे कर रहे थे, क्योंकि इरफान पठान से लेकर सुनील गावस्कर सभी लोगों का कहना है कि ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी है, रोहित के साथ अत्याचार हुआ है, रोहित आउट नहीं थे, अंपायर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिले हुए थे। मैच के बाद ट्रेविस हेड ने खुद बयान दिया था कि रोहित शर्मा दुनिया के सबसे अनलकी खिलाड़ी हैं, रोहित आउट थे ही नहीं। साफ साफ देखा जा सकता है ट्रेविस हेड के हाथों में गेंद आने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी। गेंदबाजी कर रहे मैक्सवेल भी उस वक्त हैरान रह गए थे जब अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया था। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मार्नस लाबुसेन भी साफ साफ LBW आउट थे, लेकिन अंपायर ने जानबूझकर लाबुसेन को आउट नहीं दिया था। इस मैच में अंपायरों ने कई फैसले ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में दिए थे और इंडिया के खिलाफ दिए थे। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी देखने के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा है। हर कोई अंपायर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहा है। BCCI ने फाइनल मैच की अच्छे से जांच करने के लिए ICC के ऊपर दबाव डाला तो ICC के अधिकारियों ने ट्रेविस हेड के कैच पर अच्छे से रिसर्च किया तो पता चला कि रोहित शर्मा आउट थे ही नहीं। ट्रेविस हेड के हाथ में कैच आने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी, जिसके बाद ICC ने अंपायर के ऊपर एक्शन लेते हुए 10 साल के लिए बैन कर दिया है अंपायर को। फाइनल मैच में बेईमानी करने वाले ट्रेविस हेड के खिलाफ पूरे सोशल मीडिया पर जमकर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। ट्रेविस हेड की पत्नी को लोगों ने टारगेट किया और ट्रेविस हेड के पत्नी के इनबॉक्स में जाकर लोगों ने खूब गंदी गंदी गालियां दिया, तो वहीं पर ट्रेविस हेड के अकाउंट पर जाकर ट्रेविस हेड को लोगों ने बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोला। गुस्साए लोगों का यहां तक कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को IPL से ही बैन कर देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी खिलाड़ी को IPL में नहीं खेलने देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को IPL से बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं बैन करना चाहिए। फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों द्वारा बेईमानी करने के बाद ICC और BCCI की बैठक में फैसला लिया गया है कि फाइनल मैच को दोबारा से कराया जाना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों का कहना है कि इस बार फाइनल का मुकाबला इंडिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाना चाहिए। खैर, आप लोगों का क्या कहना है, क्या फाइनल मैच दोबारा से होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर हमें बताइए।